हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इशिका फूड किचन में। आज लेकर के आए रेसिपी आप सबके लिए, दाल फ्राई की रेसिपी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये अरहर की दाल ले ली है, आधी कटोरी मसूर की दाल। भिगो देंगे आधा घंटे के लिए दाल को। दाल को आधा घंटा हो चुका है, अब इसे हम प्रेशर कुकर में कुक कर लेंगे। एक गिलास पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं रखना है हमें। नमक ऐड करेंगे एक चम्मच, हल्दी ऐड करेंगे। इसे तीन विसल लगाएंगे। जब तक हमारी दाल बॉयल होती है, तड़के का सामान तैयार कर लेते हैं। एक प्याज, दो टमाटर, दो हरी मिर्च, इन सबको हम चॉप कर लेंगे। हाई फ्लेम पे एक विसल लगा देंगे इसके अंदर। अब गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और इसे तीन विसल और लगाएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, सरसों का तेल ऐड करेंगे इसके अंदर। तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, जीरा ऐड करेंगे, हींग ऐड करेंगे, मोटी मिर्च। मोटी मिर्च के बाद ऐड करेंगे लहसुन कटा हुआ, ये हरी मिर्च के अंदर। इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को गोल्डन होने तक भूनेंगे। ये देखिए प्याज हमारा हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं कि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मसाला अच्छे से भून लेंगे। मसाला भून रहा है जब तक दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी पक चुकी है। ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। टमाटरों को अच्छे से मैश कर देंगे। अब इसमें दाल ऐड करेंगे। अब दाल में बॉयल आने देते हैं। दाल में बॉयल आ चुका है, गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। बन करके तैयार है हमारी दाल फ्राई की रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप सबको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।